हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, आप सबको बता दूं, इस वीक का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि WWE ने कई सारी बड़ी चीजें कंफर्म कर दी है, जैसे कि मैचेस, रिटर्न्स एंड इसके अलावा और भी काफी कुछ। और गाइस, आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं कि आखिरकार इस वीक के स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली चीज जिसे WWE ने इस वीक के स्मैकडाउन के लिए कंफर्म कर दिया है, वो है एक काफी बड़ा रिटर्न जो कि हमें देखने को मिलने वाला है, बिग रेड मशीन केन का। तो केन का रिटर्न WWE ने इस वीक के WWE बैश टेस्ट शो में कंफर्म किया है। अब केन यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं, बट सबसे ज्यादा जिसके चांसेस है वो ये है, वो हमें अनाउंस करते हुए दिखे हैं कि वो भी एंटर करने वाले इस साल के 30 मैन रॉयल रंबल मैच में। और WWE ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में ऐसा ही कुछ अभी हिंट भी किया है, इसलिए लेट्स सी आखिरकार केन हमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोमो कट करते हुए दिखते हैं या फिर वो हमें एक्शन में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा WWE ने जो अगली चीज कंफर्म कर दी है वो है एक सिंगल्स मैच जॉन मॉरिसन वर्सेस दी बिगी के बीच, जहां पर जॉन मॉरिसन के कॉर्नर बनेंगे दी मिज एंड बिगी के कॉर्नर में कोफी किंगस्टन। अब ये जॉन मॉरिसन का पहला मैच होने वाला है उनके रिटर्न के बाद, एंड काफी सारे लोगों ने जॉन मॉरिसन को रेसलिंग करते हुए नहीं देखा है। देन आप सबको बता दूं, इस वीक आप काफी ज्यादा इंप्रेस होने वाले जॉन मॉरिसन से अगर WWE ने इस मैच का कचरा नहीं किया तो। इसलिए अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार जॉन मॉरिसन इस वीक सभी को अपने रिटर्न के बाद पहले मैच में कितना ज्यादा इंप्रेस करते हैं। इसके अलावा जो WWE ने अगली चीज कंफर्म कर दिए तो वो है वुमेन्स डिवीजन से एक सिंगल्स मैच जो कि हमें देखने को मिलेगा लेसी एवेंस वर्सेस सासा बैंक्स के बीच। तो ये मैच हमें लास्ट वीक भी देखने को मिलने वाला था लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि सासा बैंक्स स्मैकडाउन में मौजूद नहीं थी, एंड हम सब ने बेली को बैक स्टेज एक जबरदस्त अटैक करते हुए देखा लेसी एवेंस के ऊपर। अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हमें लेसी एवेंस इस वीक के स्मैकडाउन में सासा बैंक्स को हरा पाती है या फिर नहीं, क्योंकि सासा बैंक्स के कॉर्नर पर बेली भी रहने वाली है। तो अब बात करें द फिंड ब्रे वाइट एंड डैनियल ब्रायन के बारे में, तो डैनियल ब्रायन एंड ब्रे वाइट के बीच हमें पिछले वीक के स्मैकडाउन में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, बट एक काफी बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग देखने को मिली जब रैम्बलिंग रैबिट ये चीज रिवील करती है कि फिंड बीटेबल है एंड उन्हें हराया जा सकता है। तभी पीछे से आते ब्रे वाइट एंड उनका मुंह बंद कर देते हैं या फिर कहा जाए उन्हें मार देते हैं। अब यहां से तो ये काफी बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग समझ में आई कि फिंड को भी हराने का एक ना एक तरीका है। अब हो सकता है जो नेक्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन बनेगा दी फिंड को हराकर वो इसी ट्रिक को अपनाए। अब बात करें दी फिंड एंड डैनियल ब्रायन के बीच इस वीक के स्मैकडाउन में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है फिंड हमें अटैक करते हुए दिखे डैनियल ब्रायन पर या फिर डैनियल ब्रायन भी हमें फायरफ्लाई फन हाउस वाले ब्रे वाइट पर अटैक करते हुए दिख सकते हैं। एंड जैसा कि आप सबको पता ही है इस वीक डैनियल ब्रायन के टीम हेलो के पार्टनर केन भी आने वाले, एंड हम सब ने कुछ महीने पहले हुई रॉ में देखा ही था किस तरह फिंड ने अटैक किया था केन पर। तो क्या पता हमें इस वीक फिंड एंड केन के बीच कुछ देखने को मिल जाए, बट इसके चांसेस थोड़े कम है। वहीं बात करें अपने नेक्स्ट थिंग के बारे में जो कि जुड़ी है एक काफी बड़े मैच कंफर्म होने से रॉयल रंबल के लिए जो कि हमें इस वीक के स्मैकडाउन में होते हुए दिख सकता है। तो जैसा कि आप सबने लास्ट वीक के स्मैकडाउन में देखा ही था कि एक सिंगल्स मैच में ब्रॉन स्ट्रोमन ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन शिंस्के नाकामुरा को एक नॉन टाइटल मैच में पिन कर हरा दिया और उन्होंने मैच जीतने के बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रेस भी की थी। अब उन्होंने यहां से ये चीज क्लियर कर दी है कि अब उन्हें चाहिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, इसलिए हो सकता है इस वीक के स्मैकडाउन में हमें फाइनली इन दोनों का मैच ऑफिशियल होते हुए दिखे रॉयल रंबल में, क्योंकि अब रॉयल रंबल को होने में ज्यादा टाइम नहीं बचे और नेक्स्ट वीक का स्मैकडाउन लास्ट स्मैकडाउन होने वाला है रॉयल रंबल से पहले का। वहीं बात करें अपने नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग के बारे में जिसे WWE ने इस वीक के स्मैकडाउन में कंफर्म कर दिया, तो वो जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंस से। तो मैंने आप सबको बताया था कि रोमन रेंस का एक काफी बड़ा मैच कंफर्म हो चुका है इस वीक के स्मैकडाउन के लिए जो कि होने वाला एक सिंगल्स मैच रॉबर्ट रूट के साथ। बट ये मैच एक नॉर्मल मैच नहीं, ये होने वाला एक टेबल्स मैच, इसलिए हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वीक के स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंस अपने पिछले वीक के अटैक का बदला लेते हुए दिख सकते हैं रॉबर्ट रूट से। और क्या पता हमें रोमन रेंस एंड दी उसोस फाइनली तीनों सुपरस्टार्स पर अटैक करते हुए दिखे, एंड रोमन रेंस हमें डॉग फूड भी बैरन कॉर्बिन पर फेंकते हुए दिख सकते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक इस चीज का बदला नहीं लिया है बैरन कॉर्बिन से। इसलिए लेट्स सी कि आखिरकार इस वीक के स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंस एंड दी उसोस अपने पिछले वीक के अटैक का किस तरह बदला लेते हुए दिखते हैं। लेकिन गाइस, आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है, इस टेबल्स मैच में रोमन रेंस हरा पाएंगे रॉबर्ट रूट को जिनके साथ बैरन कॉर्बिन, डॉल्फ ज़िगलर एंड बैरन कॉर्बिन के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, या फिर उसोस इन सभी को संभाल लेंगे अपने कजन को इस मैच में जिताने के लिए। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।